बाकी कई लोगों को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम भी होती है कि बहुत ओवर एक्टिंग करती है, तुम्हें लग रहा है कि इतनी ओवर एक्टिंग कर गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है, मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग आज मेरे घर से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों के घर से हो रहा है। आज सुबह सुबह मुझे कुछ काम था अपने पड़ोसियों से, मतलब आंटी जी से कुछ काम था, तो मैं आंटी जी के घर पे आ गई तो अंदर अपने किचन में, तो मैंने कहा मैं तब तक अपना व्लॉग ही क्यों ना स्टार्ट कर लूँ। अभी मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया, तो थोड़ी देर में जाके करती हूँ। फिलहाल मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है और मुझे कुछ खास मुद्दे पे आप लोगों से बात भी करनी थी। अब खास मुद्दा ये था कि मैंने जो कल की इनकी जाने की वीडियो बनाई थी कि ये जा रहे हैं कमरा देखने, तो उसमें ये हुआ कि वो व्लॉग सच में पहले का व्लॉग है और उसमें ये हुआ था कि आपने देखा होगा कि जिस टाइप जो इनका आने वाला पहला व्लॉग था ना, तो हाँ वो व्लॉग था, वो काफ़ी पुराना व्लॉग था जो इनका आने वाला था। मतलब मैंने डाला नहीं था, तो ना ही मैंने एडिट किया, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, तो मैंने उसे काफ़ी टाइम बाद, पूरे लगा लो एक महीने बाद ही डाला, एक महीने से कुछ ही दिन कम, लेकिन मैंने एक महीने बाद ही डाला उस व्लॉग को। और उस व्लॉग में मैंने बोला भी था कि मार्च लगने वाला है, और मतलब ये लगा लो कि मैंने फरवरी का बनाया हुआ व्लॉग था वो, तो मैंने वो काफ़ी लेट डाला, तो लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट किए थे इसी में मार्च नहीं अप्रैल लगने वाला है। तो हाँ जी, अब तो अप्रैल लगने वाला है, लेकिन उस टाइम पे मार्च लगने वाला था, तो इस करके तो मैंने कमेंट का जवाब भी नहीं दिया। कई लोग समझ गए थे कि ये व्लॉग सिमू ने मतलब बीच में डाले नहीं, इस वजह से मेरे व्लॉग ज़्यादा आगे पीछे इसीलिए हुए क्योंकि मैंने बीच में डाले नहीं। व्लॉग मैं बनाती रहती थी, जब भी मतलब कुछ होता था तो मैं डालती रहती थी, बाकी शिवरात्रि वगैरह का व्लॉग मैंने कंटिन्यू करके डाला। कल ये ड्यूटी का ये जाने वाला व्लॉग बनाया मैंने, ये भी व्लॉग पहले का ही है, मतलब लगा लो तुम शिवरात्रि से काफ़ी पहले का व्लॉग है ये, लेकिन मैंने काफ़ी लेट डाला, तो बीच में मेरी ही गलती है कि मैं मतलब पूरे व्लॉग नहीं बना पाई। उसके लिए मैं अपने व्यूवर से माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्पेशली ये व्लॉग बनाया। बाकी देखते हैं व्लॉग में क्या क्या होता है। सबसे पहले होगा मेरा झाड़ू पोछे से स्टार्ट, तो मैं घर जा रही झाड़ू पोछा। थोड़ा मेरे को अभी हल्का सा ठंडा सा भी लग रहा है, बुखार आ रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो जैकेट पहन के आगे का काम स्टार्ट करूंगी अपना। बाकी मैं घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। झाड़ू मार के थोड़ा थक गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम करती हूँ। अरे मेरे कमर कम ढूंढो मैं कमर मजीद पोछा मारने का मन नहीं कर रहा मेरा, मारना तो पड़ेगा यार। हेलो, हाँ नाना कौन हो, आ गए तुम? मेरे पति देव का फोन है, आएगा नंबर पर आएगा जाना सो अब आएगी लाइन पे ना, कहाँ दौड़े जा रहा Shh.
अबे यार पैर देख ना पैर तो दोस्तों आज के व्लॉग में ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस मेरे और जेठानी जी की थोड़ी थोड़ी नोकझोंक हुई, थोड़ा थोड़ा झगड़ा झुगड़ा हुआ, बाकी ऐसे ही हम दोनों लड़ते रहते, कभी कभी एंजॉय करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, मस्ती मजाक हमारा चलता रहता है और नैन्सी पीछे से हमारी वीडियो बनाती रहती है। बाकी कई लोगों को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम भी होती है कि बहुत ओवर एक्टिंग करती है, ये करती वो करती, तो हाँ मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मुझे ओवर एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, मैं इसलिए करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको फालतू की बकवास करने के कुछ मिलता होगा, मत किया कीजिए, कोई फायदा नहीं है। अब मैं दो बात बोलूंगी फिर आप चिढ़ जाओगे, फिर आपको मिर्ची लगेगी, आके सीधा कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाओगे ना, तो इसलिए फायदा क्या है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है मेरे से तो मत देखो, मैं साफ साफ बोलती हूँ, कई बार बोला है पर आप लोग समझ नहीं पाते शायद, है ना। तो मत देखो अगर जिन्हें इतनी प्रॉब्लम है मेरे ब्लॉग से, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मतलब मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, आपको दोबारा आके घूम फिर के मेरे को ही देखना होता है, इसका मतलब तो यही है कि आपको मेरी ओवर एक्टिंग पसंद है इसलिए आ रहे बार बार। तो देखो मैं तो हमेशा ऐसे ही ओवर एक्टिंग करने वाली हूँ, देखते रहो। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी पूरी फैमिली अच्छी लगती है, उनके लिए हमेशा दिल से आभार है। और बाकी जिन्हें ओवर एक्टिंग लगती है तो उन्हें उनके लिए तो क्या बोलना, आपने कल भी आए थे आप मेरा व्लॉग देखने, परसों भी आए थे, आज भी आओगे, और जब तक मैं व्लॉग बनाते रहूंगी ना तब तक आप आते रहोगे। तो आइए अपना थोड़ा सा खून जलाइए और मेरे बहुत सारे व्यूज बढ़ाइए। मैं तो यही बोलूंगी जो लोग नए व्लॉगर है उन्हें थोड़े से नेगेटिव कमेंट आ जाए तो वो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते कि हाय मुझे नेगेटिव लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी। तो इनके बारे में क्या सोच रहे हो यार, ये लोग मतलब वो लोग हैं जिन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो भगवान के बनाए हुए एक कठपुतले हैं बस, है ना। बाकी मैं तो यही बोलती हूँ, हेटर्स हमेशा आएंगे और हेटर्स उन्हीं के होते हैं जिनमें कुछ बात होती है, ठीक है। तो इन लोगों से बिल्कुल नहीं घबराना, ये जो आपको हर ये ना ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ दो तीन लोग हैं, इन्होंने हर व्लॉग में आके ये वो ना ओवर एक्टिंग करती, तो मैं लग रहा है कि इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है बंदी, तो देखने क्यों आ रहे। मैं तो यही बोलती हूँ, नहीं ओवर एक्टिंग देखनी है तुम्हें, हाँ तो सीधे सीधे बोलो ना कि हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सीधा और सिंपल। और ये टांग खींचने की कोशिश वो करते हैं जो खुद लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन्हें पता है हमने तो खुद ऊपर बढ़ना है नहीं, क्यों ना दूसरे की टांग खींच ली जाए। और टांग खींचने का मतलब ये नहीं कि हाथ से पकड़ के टांग खींच ले, नहीं, मेंटली तौर पे ये हमें गलत गलत कमेंट करेंगे, उल्टा उल्टा बोलेंगे कि कैसे इन्हें डिमोटिवेट करें ताकि ये भी अपना ये काम करना बंद कर दें। और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आके दोस्त सुना के चली जाऊंगी और बस, मैं तो ऐसी हूँ, साफ और सीधी बात है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि इन लोगों की तो सुननी नहीं, इनकी क्या सुननी, घर में इनकी कोई सुनता नहीं, आके इन्होंने हमें कमेंट करना है कि ये हमारी सुने करके, तो मैंने तो इसलिए नाम भी नहीं लिया, क्यों इन लोगों को सुदीप फोगाट में फेमस करना है, नहीं। फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगी जो नए नए ब्लॉगर हैं उनके लिए खास तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसे कमेंट आते हो तो बिल्कुल इग्नोर करिए, ऐसे कमेंट इग्नोर क्या करना, दो चार बोल के आ जाइए, सुना के आ जाइए, बस मैं तो यही बोलूंगी, क्यों सुनना किसी की सुद्धि में, मैं तो नहीं सुनती, साफ और सीधी बात है ना। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये जो इनका जाने वाला ब्लॉग था वो काफी पहले का है, तो ये काफी पहले मतलब जा चुके थे कमरा देखने, तो बस अब कल ये आने वाले हैं, तो कल इनका आने वाला व्लॉग आएगा, फिर लोग बोलेंगे शिवोगाजन जा रहे आ रहे, जो बाहर से थंबनेल देखते हैं, जो पूरा व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पूरा समझ आएगा कि मतलब क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो मतलब बाहर से थंबनेल देख के आते हैं तो उन्हें लगेगा कि यार जा रहे आ रहे करके। तो इस टाइम हमारा कुछ ऐसे ही चल रहा है जाने आने वाला सीन, बाकी देखते हैं कल के व्लॉग में जरूर आना, खूब इंजॉय करेंगे हम। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं मेरे व्यूवर्स को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे हेटर्स को भी हेटर्स को मेरा व्लॉग कभी पसंद नहीं आ सकता, बस उन्हें आना जरूर है देखने, उन्हें मेरा व्लॉग पसंद भी नहीं होता और देखने भी आना होता तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मुझे तुम लोगों को छोड़ो बोलना नहीं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं मेरे व्यूवर्स को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ उनके आने वाले व्लॉग के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, टाटा। बाकी हेटर्स के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो।
तुम्हारे पास का यही है, तुम यही कर सकते हो।